जानकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव, पधारिए। हे शांति दूत वासुदेव कृष्ण, मेरी ओर से स्नेह की ये भेंट स्वीकार करें। हे महाराज, आपने यह भेंट देकर मेरा मान बढ़ाया है, परंतु इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पहले तनिक विश्राम कर लो वासुदेव, ताकि यात्रा की थकन मिट जाए। जो आज्ञा पितामह। पुत्र दुशासन जी, वासुदेव को अपने भवन में ले जाओ। जो आज्ञा। नहीं पिताश्री, पहले मैं इन्हें अपने भवन में ले जाऊंगा और भोजन के पश्चात फिर दुशासन इन्हें भले ही अपने भवन में ले जाए। नहीं युवराज, भोजन केवल दो स्थानों पर किया जाता है, या तो अपने आतिथेय के निवास स्थान पर या फिर अपने मित्र के निवास स्थान पर, और ना आप मेरे आतिथेय हैं और ना ही मित्र, इसलिए मैं महात्मा विदुर जी के घर जाऊंगा। वहां कुंती बुआ भी हैं। आज्ञा महाराज। आइए विदुर जी। आइए वासुदेव। बरसों से रुके हुए थे। अच्छा किया बुआ, जो ये पुराने आंसू बहाकर अपनी आंखें रिक्त कर लीं, क्योंकि अब हम आंसुओं की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। ये तुमने क्या कहा? आप चिंता ना करें बुआ, आपके पांच पुत्र अवश्य सुरक्षित रहेंगे। इधर जो भी है वो भी तो मेरे पुत्र ही हैं देवकी नंदन। तो क्या आप दुर्योधन और दुशासन जैसों को लाक्षाग्रह दुर्घटना, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्र हरण, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास की पीड़ाओं के लिए क्षमा कर देंगी बुआ? प्रश्न ये नहीं है कि कौन पुत्र है और कौन पुत्र नहीं है, प्रश्न है धर्म और अधर्म का। बुआ, मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि वे मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं, मैं उनके पक्ष में केवल इसलिए हूं कि आज धर्म उन्हीं के पक्ष में है। मेरी निष्ठा धर्म के प्रति है, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए बुआ, आप मुझे यह बताइए कि लौटकर मैं आपके पुत्रों को आपकी ओर से क्या संदेश दूं? युधिष्ठिर से कहना कि जिस दिन के लिए क्षत्रानियां पुत्र उत्पन्न करती हैं वो दिन आ गया है। तो क्या आप मेरे साथ वहां चलना नहीं चाहेंगी? नहीं वत्स, मेरी कर्म भूमि तो ये हस्तिनापुर है। मैं ताक्षरी भीष्म
ज्येष्ठ श्री और दीदी गांधारी को तो नहीं छोड़ सकती। मुझे देखकर इन सबों को ये याद तो रहता होगा कि इन लोगों ने मेरे पुत्रों के साथ कैसे कैसे अन्याय किए हैं। मैं केवल इस राज परिवार की कुल वधू ही नहीं हूं वत्स, मैं इन सब का अंतर विवेक भी हूं। हे शांति दूत, मुझे केवल इतना बता दो कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। मैं तो केवल शांति दूत हूं ना बुआ, इसलिए युद्ध का निर्णय तो मैं नहीं ले सकता। यह निर्णय तो हस्तिनापुर नरेश के हाथ में है। यदि उन्होंने न्याय करने का साहस किया तो युद्ध नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। परंतु यदि उन्होंने फिर अन्याय ही करना चाहा तो युद्ध अवश्य होगा। और सच पूछिए तो बुआ, यह निर्णय उनके हाथ में भी नहीं है, दुर्योधन के हाथ में है। तब तो ये युद्ध होगा देवकी नंदन, तब तो ये युद्ध होगा। धैर्य से काम लो, धैर्य से। हमें तो केवल ये देखना है कि पांडवों ने इस मायावी कृष्ण को क्या प्रस्ताव देकर भेजा है। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मामा श्री। आइए आइए वासुदेव। प्रणाम मधुसूदन, आइए विराजिए। मुझे सदैव इस बात का दुख रहेगा वासुदेव कि आपने भोजन के लिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सदैव, सदैव बहुत फैला हुआ शब्द है युवराज। और फिर मैं तो एक शांति दूत हूं, तो जब तक संधि न हो जाए आपकी कृपाएं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। इसलिए हे ज्येष्ठ गांधारी पुत्र, आइए पहले हम एक मत तो हो लें। ये केशव, आपकी ये अभिवृत्ति तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। वाद विवाद की सफलता या असफलता का अतिथि या आतिथ्य की मर्यादा से भला क्या संबंध है? क्योंकि आपसे तो हमारी कोई लड़ाई है नहीं, इसलिए ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही वसुदेव कि आप जैसे मर्यादित पुरुष अपने आतिथ्य का अपमान कैसे कर सकते हैं। हे अंगराज, मैं किसी भी स्थिति में धर्म को त्याग नहीं सकता। कोई किसी के साथ तब भोजन करता है जब आपस में स्नेह हो या फिर वो भूखा हो। और मैं भ्राता दुर्योधन का प्रिय भी नहीं हूं और भूखा भी नहीं हूं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे प्रिय नहीं हैं? क्योंकि यदि मैं आपको प्रिय रहा होता भ्राता दुर्योधन, तो द्वारिका में आप पार्थ से झगड़ पड़े होते कि आपको मेरी नारायणी सेना नहीं, ये निहत्था वासुदेव कृष्ण चाहिए। परंतु हे मधुसूदन, इससे तो कुछ सिद्ध नहीं होता। कुंती पुत्र अर्जुन तो आपसे आपको मांग ही चुके थे, तो आप तो उनके पहले ही हो चुके थे। तो जब मैं पहले ही कुंती पुत्र अर्जुन का हो चुका हूँ गंधार नरेश, तो युवराज दुर्योधन की कृपाएं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जो पांडवों का मित्र नहीं है गंधार नरेश, वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म पांडवों के शिविर में है, और जहां धर्म है वहीं मैं हूं। और मैं यहां केवल पांडवों का दूत बनकर नहीं आया हूं, मैं धर्म दूत भी हूं। यदि मैं आपका भोजन करता भ्राता दुर्योधन, तो वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। क्रोध में ना आओ ज्येष्ठ गांधारी नंदन, क्रोध का कवच नम्रता के वाणों को रोक नहीं सकता। और आज मैं तुमसे यही बात करने आया हूं कि तुमसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। शांति का मार्ग प्रगति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, और युद्ध का मार्ग सीधा शमशान की ओर जाता है। भोजन का समय है वासुदेव। मैं आपसे फिर से यही निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे साथ भोजन करें
तो मैं उसे आशीर्वाद समझूंगा। तुम यदि सचमुच मुझे भोजन करवाना ही चाहते ना युवराज दुर्योधन, तो अब तक मेरा शांति प्रस्ताव मान चुके होते। भोजन तो मैं विदुर जी के घर ही करूंगा। ये दुर्योधन, ये ग्वाला अपने आप को समझता क्या है? मैं तो इसे अपने साथ भोजन करवा के इस ग्वाले को मान लेना चाहता था, परंतु ये ग्वाला तो इसी योग्य है कि उस दासी पुत्र के घर जाके साग रोटी खाए। मामा श्री, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि कल राज्यसभा में इसने कोई भी अटपटी बात कही तो मैं इसे उसी समय बंदी बना लूंगा। जब बुद्धि विपरीत हो सचमुच काल विनाश लगता है कुरुवंश का नाश, नाश बस नाश। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत